एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। मुद्दे की बात में अब बात उस खबर की जिससे यूपी बोर्ड फिर से सवालों के घेरे में है। दरअसल इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों से पहले ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। आप भी देखिए कि कैसे यूपी बोर्ड ने लापरवाही की हद पार कर दी है। तमाम मामले सामने आने के बाद भी शिक्षा विभाग और यूपी बोर्ड की नींद नहीं खुली है और आज हम आपको जो रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उससे आपको भी साफ हो जाएगा कि कैसे कई बार शर्मसार कर देने वाले मामले सामने आने के बाद भी शिक्षा विभाग और यूपी बोर्ड संभलने के लिए तैयार नहीं। दरअसल इस बार मामला सामने आया है राजधानी लखनऊ में और ये जुड़ा है कानपुर रोड से सटे हिंद नगर में मौजूद स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल से, जो करीब 7 साल पहले बंद हो चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्कूल के 143 छात्रों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा का न सिर्फ फॉर्म भरवाया गया बल्कि यूपी बोर्ड की ओर से इन्हें बकायदा परीक्षा केंद्र भी अलॉट कर दिए गए। जैसे इस फर्जीवाड़े की खबर एबीपी गंगा को लगी तो हमने भी इसकी तफ्तीश की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आ गई। मसला, ये पूरा मामला हिंद नगर के स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल से जुड़ा हुआ। ये स्कूल हिंद नगर में 7 साल पहले बंद हो चुका है। शिक्षा विभाग को बिना बताए स्कूल को शिफ्ट किया गया। स्कूल को अमौसी एयरपोर्ट के आगे शिफ्ट कर दिया गया। नियम के अनुसार ऐसा करने पर मान्यता रद्द की जाती है। मान्यता उसी जगह की होती है जहां स्कूल रजिस्टर्ड होता है। ये तो रही स्कूल की लापरवाही की बात जो सामने आई, लेकिन अब आपको इसे लेकर यूपी बोर्ड की भी बड़ी लापरवाही के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से बड़े सवाल खड़े हो गए। दरअसल बंद पड़े स्कूल के छात्रों को परीक्षा केंद्र अलॉट कर दिए गए। स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल के 143 छात्रों को सेंटर अलॉट हुए हैं। यूपी बोर्ड की ओर से इंटर के 15 छात्राओं को यूपी सैनिक स्कूल में परीक्षा केंद्र दिया गया। वहीं हाई स्कूल के 49 छात्रों को जनता इंटर कॉलेज में सेंटर मिला। इंटर के 45 छात्रों को भी जनता इंटर कॉलेज में सेंटर मिला। 34 छात्राओं को हीरा लाल यादव गर्ल्स इंटर कॉलेज में सेंटर मिला। हैरानी की बात यह है कि लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक अधिकारी इस गड़बड़ी के बारे में जानते हैं, फिर भी इस खेल को ऐसे ही चलने दिया गया, जिस वजह से अब अधिकारियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताते हैं। 3 साल पहले लखनऊ के डीआईओएस ने स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल की जांच की थी। जांच के बाद स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी डीआईओएस ने की थी। इसके 3 साल बाद भी स्कूल की मान्यता रद्द नहीं हो पाई। 16 अक्टूबर 2020 को स्कूल को कारण बताओ नोटिस यूपी बोर्ड की ओर से भेजा गया। नोटिस में स्कूल से 30 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया। जवाब देने की मियाद खत्म हुए भी 2.5 महीने बीत चुके हैं, बावजूद इसके स्कूल की मान्यता खत्म नहीं हो पाई। ये हाल तब है जब खुद डीआईओएस ने इसकी सिफारिश की थी। ये स्कूल जहाँ मान्यता इसकी थी उसके स्थान पे दूसरे स्थान पे संचालित किया जा रहा है और दोनों स्थानों का मैंने स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात सचिव परिषद इलाहाबाद को मान्यता प्रत्याहरण के लिए पत्र लिखा था, साथ के साथ संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा भी लिखा गया है। अभी परिषद स्तर से भी अंतिम नोटिस विद्यालय को दिया गया है मान्यता प्रत्याहरण के संबंध में। पिछले 16-10-20 को एक अंतिम नोटिस गया है। यकीनन ये पूरा मामला हैरान तो करता ही, ये भी बताता है कि कैसे अधिकारियों की मिली भगत से उस स्कूल को भी आराम से चलाया जा रहा जिसकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश खुद डीआईओएस ने की थी। 7 साल पहले स्टर्लिंग पब्लिक स्कूल को उस जगह से शिफ्ट कर दिया गया था जहां पर इसका रजिस्ट्रेशन था। वहीं स्कूल प्रशासन ने इसकी जानकारी भी शिक्षा विभाग को नहीं दी, जिसके बाद इसकी मान्यता को फौरन ही रद्द कर दिया जाना था। लेकिन अभी तक ऐसा न हो पाना शिक्षा विभाग और यूपी बोर्ड के लचर रवैये पर ही सवाल खड़े करता है। एक तरफ सरकार नकल विहीन और पारदर्शी परीक्षा को अपनी उपलब्धि बताती है तो दूसरी ओर उसी के अधिकारी इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जो विद्यालय सालों से अपनी जगह पर ही नहीं है, आखिर वहाँ के 200 छात्र छात्राओं के बोर्ड परीक्षा के फॉर्म कैसे भरवा दिए जाते हैं? बड़ा सवाल ये भी कि जिस विद्यालय की मान्यता सालों पहले ही वापस ले ली जानी चाहिए थी उसके ऊपर कार्रवाई करने में अधिकारी इतनी ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा।